बात करते हैं इंदौर की, जहां पिछले 50 सालों से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहा है। ये वो शहर है जिसने बुर्का पहनी हुई मुस्लिम महिलाओं को कांवड़ लेकर चलते हुए देखा है। यहां हिंदू धर्म के लोग शहर काजी को ईद की नमाज पढ़ने के लिए अपनी बग्घी से लेकर जाते हैं। ईद की नमाज ईदगाह में होती है। शहर काजी को ईदगाह ले जाने के लिए बग्घी हिंदू समुदाय की ओर से भेजी जाती है। शहर काजी नमाज के बाद इसी बग्घी से घर जाते हैं। रिजर्व फोर्स के संयोजक सत्यनारायण सलवाड़िया ने बताया कि शहर काजी का फूल मालाओं से स्वागत कर उन्हें बग्घी में बैठाया जाएगा। उनको सुबह 9 बजे सदर बाजार ईदगाह लाया जाएगा। पहले के समय में घोड़ों से जुती हुई बग्घी में शहर काजी को ले जाया करता था। धीरे धीरे समय बदला और बग्घी का स्वरूप भी बदल गया। अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है आपसी सद्भाव। अब भले ही जीप को मॉडिफाई कर उस पर नकली घोड़े और छत्र लगाकर उसे बग्घी का रूप दे दिया गया है, लेकिन परंपरा बदस्तूर जारी है। सलवाड़िया ने बताया कि काजी को बग्घी से ले जाने की परंपरा सालों पुरानी है, लेकिन कोरोना काल में यह परंपरा 2 साल रुक गई। हम कोरोना के कारण 2 साल यह परंपरा नहीं कर सके। हम भले ही 2 साल शहर काजी को बग्घी में लेकर नहीं गए हों, लेकिन हमने उनके घर जाकर फूल मालाओं से उनका स्वागत जरूर किया है। सलवाड़िया ने बताया कि इस परंपरा को पूरा करने के लिए हर साल 20 से ज्यादा हिंदू समाज के लोग इसमें शामिल होते हैं। इंदौर में ईद के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक नजर आ रही है। लोग ईद की खरीदारी कर रहे हैं। शहर के बाजारों में काफी भीड़ भी होती है। ईद की तैयारियों के लिए लोग खरीदारी कर रहे हैं। मिठाइयों, किराने की दुकानों, कपड़ों की दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है। व्यापारियों का कहना है कि महिलाएं काफी संख्या में खरीदारी के लिए आ रही हैं, खास तौर से बंबई बाजार, राजवाड़ा मार्केट, कपड़ा मार्केट, बोहरा बाजार और आड़ा बाजार आदि में काफी भीड़ दिखाई दे रही है। शहर में सदर बाजार ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। शहर काजी डॉक्टर मोहम्मद इसरत अली ने बताया कि ईद उल अजहा का त्यौहार रविवार को मनाया जाएगा। मुख्य ईदगाह में सुबह 9:30 बजे ईद की नमाज होगी। इसके अलावा मस्जिदों में भी नमाज अदा करवाई जाएगी। इधर ईदगाह में ईद की नमाज की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 जुलाई 2022 इतवार को ईद उल अजहा मनाई जाएगी और सदर बाजार ईदगाह में सुबह 9:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। आप तमाम हजरात से अपील है, ईद की नमाज ईदगाह में अदा करने के लिए दरूद शरीफ पढ़ें। बहुत शुक्रिया।